रोलिंग। अरे भाई बोल ले, भाई बोल तो ले। मैं नहीं बोलूंगा, मैंने सोच लिया जब तक मेरा अप्रेजल अच्छा नहीं होता ना एक शब्द नहीं बोलूंगा, ये मेरा प्रोटेस्ट है। अप्रेजल तो छोड़ भाई, नौकरी से भी जाएगा। बोल ले भाई बोल ले। क्या बात कर रहे हो यार, नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? बोलता हूँ भाई, तो देवियों सज्जनों मेरा प्रोटेस्ट तो फेल हो गया, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे अनोखे प्रोटेस्ट जो इतने यूनिक थे कि पूरे समाज और सिस्टम का दिमाग ही घूम गया। हाय, मेरा नाम है बादशाह, आप देख रहे हैं अनकट, जहां पे नो फिल्टर नो ज्ञान। और आज की पहली कहानी है हैदराबाद की, जहां नगोले की जी निहारिका ने आनंद नगर एरिया को अपने अनोखे प्रोटेस्ट से हिला डाला। बोले तो निहारिका फेड अप हो चुकी थी यार ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो जाएगा एटीट्यूड से। हो जाएगा एटीट्यूड अक्सर सरकारी दफ्तरों में पाया जाता है, जहां कंप्लेनेंट जितना भी अर्जेंट काम लेके जाए बाबू यही बोलता है हो जाएगा। तो निहारिका की मांग थी कि उसके लोकैलिटी में बना पॉट होल यानी कि सड़क के बीच का गड्ढा जल्द से जल्द भर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए, इससे पहले कि वहां कोई दुर्घटना हो। और ये पॉट होल अभी नहीं बना है, ये आर्किटेक्चर बना था 4 साल पहले। और जब ये टूरिस्ट अट्रैक्शन टूरिस्ट की जगह एक्सीडेंट्स अट्रैक्ट करने लगा तो पब्लिक का माथा ही घूम गया और सबने मिलकर हल्ला बोल दिया। काश ऐसा होता कि सोसाइटी यूजलेस टॉपिक्स पे एक होने के बजाय एक्चुअली इंपॉर्टेंट इश्यूज पे यूनाइट हो पाती। बट एनीवे, वो कहते हैं ना कि कभी कभी एक बंदा ही काफी होता है, तो बस एक बंदी ने पूरे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट की नींदें उड़ा दी। निहारिका ने डिसाइड किया कि जब अथॉरिटीज यही चाहती हैं कि सोसाइटी पॉट होल्स में जिए तो ओके। और भाई बंदी जाके बैठ गई पॉट होल में और अगले 1 घंटे तक वहीं बैठी रही। ट्रैफिक बगल से निकलता रहा, ट्रैफिक पुलिस भी आ गई, लेकिन निहारिका टस से मस नहीं हुई। एंड फाइनली जीएचएमसी को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा। गड्ढे से पहले पानी निकाला गया और उसे टेम्पररीली मिट्टी से भर दिया गया, इस प्रॉमिस के साथ कि जल्द ही पक्की सड़क बना दी जाएगी। इसके बाद टीओआई से बात करते हुए हयात नगर के डेप्यूटी कमिश्नर टी यदैया ने कहा, ऑलरेडी जीएचएमसी हैज सैंक्शनड अ न्यू रोड हियर एट अ कॉस्ट ऑफ ₹4 crore। हाउएवर ड्यू टू द इलेक्शन कोड द अथॉरिटीज हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू पोस्टपोन द कमेंसमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क्स अंटिल फर्दर नोटिस। बोले तो चुनाव चल रहे हैं इसलिए नहीं बना पा रहे। अच्छा एक बात बताइए, चुनाव तो अभी है ना, 4 साल से कौन सा चुनाव चल रहा है, मतलब कुछ भी बोलेंगे क्या? खैर डेप्यूटी कमिश्नर साहब ने कहा है तो मान लेते हैं एक बार और, वरना कल को फिर से कोई निहारिका बैठी होगी पॉट होल में इस उम्मीद के साथ कि हमारा सिस्टम हमें नाले में धकेलने के बजाय नाले से निकालेगा। बट सीरियसली हैट्स ऑफ टू जी निहारिका फ्रॉम हैदराबाद। अगली कहानी है पिंक चड्ढी कैंपेन की। यस, पिंक चड्ढी कैंपेन। साल 2009, जब मॉरल पुलिसिंग से परेशान महिलाओं के एक संगठन द कंसोर्टियम ऑफ पब गोइंग लूज एंड फॉरवर्ड विमेन ने लॉन्च किया पिंक चड्ढी कैंपेन और कलेक्ट करना शुरू किए पिंक निकर्स, क्योंकि गिफ्ट जो करना था श्री प्रमोद मुतालिक को। हाँ, तो प्रमोद जी उस समय चीफ थे श्री राम सेना के। द श्री राम सेना हैड देन मेड हेडलाइंस फॉर रेडिंग अ पब इन द सदर्न सिटी ऑफ मैंगलोर एंड बीटिंग अप विमेन पेट्रंस। मतलब महिलाओं पे हाथ उठा रहे हैं। इसके बाद महिलाओं ने संभाला मोर्चा और पिंक चड्ढी कैंपेन में जुटाए तकरीबन 2000 निकर्स और इनको कोरियर करके भेजा मिस्टर मुतालिक के मैंगलोर वाले ऑफिस में। अब ये गिफ्ट कैसा लगा उन्हें इसकी कोई पुष्टि नहीं कर सकता, मगर महिलाओं को जो कहना था वो उन्होंने अपने अनोखे अंदाज से कह दिया, तो वेल डन लेडीज। उसके बाद की कहानी है केरला से, जहां एक कपल के किस करने के फोटोग्राफ से भड़कने के बाद कुछ उपद्रवियों ने केरला के एक कैफे को ही तोड़ दिया। क्या चल रहा है? जवाब में कतई गांधीगिरी स्टाइल में केरला के युवाओं ने डिसाइड किया कि अब कैफे में तो किस नहीं कर सकते, तो चलो रोड पे ही किस कर लेते हैं। और फिर रोड जैम करके शुरू हो गया किसथॉन। ऑब्वियसली पीडीए हमारे देश में एक टैबू की तरह है, हम पब्लिकली किसी को पीट दें, गाली बक दें, हार्डली एनीवन विल रिएक्ट, बट प्यार दिखा दिया तो हाय तौबा मच जाती है, डाल इसको जेल में।
हाँ, तो इस केसाथॉन में भी लोग डिटेन किए गए लेकिन बाद में छोड़ दिए गए। और केरला की ये आग पहुंची कोलकाता, जहां 100 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटी के छात्रों ने निकाला जुलूस डिमांडिंग द राइट टू लव। फिर यही आग भड़की भारत के दिल माने दिल्ली में, जहां मेट्रो स्टेशन के पास एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करके एक दूसरे को किस करते हुए पाए गए। बट ट्रस्ट मी, ये प्रोटेस्ट तो अपनी जगह है, बट नथिंग बीट्स स्नेक अटैक। मतलब सांपों का हमला। yes! मतलब सांप नहीं प्रोटेस्ट कर रहे थे, सांप कहां प्रोटेस्ट करते हैं, वो तो सिर्फ डसते हैं। हाँ, मतलब मैं सांप एज इन रेप्टाइल की बात कर रहा हूँ, आपको क्या लगा? एनीवे, कहानी है एक सपेरे हकुल की, जिसने पहले एक पेटिशन उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों के पास जमा की, क्योंकि उसको एक प्लॉट चाहिए था, ठीक है, जिसपे वो अपने सांपों को रख सके, उनका पालन पोषण कर सके। लेकिन अधिकारियों ने उसकी इस पेटिशन को खारिज कर दिया, मना कर दिया, नहीं देंगे प्लॉट, जाओ क्या करोगे। तो भाई हकुल वॉज लाइक नॉट कूल और छोड़ दिए अपने दर्जनों सांप अधिकारियों के दफ्तर में। उस वक्त ऑफिस में मौजूद 100 से अधिक अधिकारियों का क्या फटा होगा आपको तो पता ही है। कुछ तो भाग निकले, जो रह गए वो कुर्सी टेबल पंखा ना जाने क्या क्या पकड़ के लटक गए। डैम हकुल, व्हाट अ बॉस मूव टू पुल ऑफ। हाँ, अगला है पूप प्रोटेस्ट। यस, पूप प्रोटेस्ट। ये पूप माने की टट्टी का प्रयोग अक्सर खाद बनाने या आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में जोक बनाने के काम आता है, लेकिन विवाद वो इससे पहली बार बना था। हुआ ये कि सरकार के विवादास्पद भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में झारखंड के आदिवासी प्रोटेस्ट पर बैठ गए, वो भी पैंट उतार के पॉटी पोज में। आदिवासियों ने सबसे पहले इस बिल का प्रिंट आउट निकाला और उसे मस्त नीचे बिछाया और उस पर बैठकर अपना सारा रायता फैला दिया। गजब का जिगरा है भाई इन लोगों का, सलाम है इनको, क्या यूनिक स्टाइल है प्रोटेस्ट का। तो ये थे कुछ अतरंगी एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रोटेस्ट। ये प्रोटेस्ट भले ही फनी वियर्ड ऑकवर्ड थे, लेकिन जिन मुद्दों के लिए ये लड़ रहे थे और लड़ रहे हैं वो बिल्कुल भी फनी नहीं है। आसान नहीं होता समाज में रहकर समाज से सत्य के लिए बगावत करना, और कोटि कोटि नमन उन सभी साइलेंट हीरोज को जो तब भी और अब भी और आगे भी लड़ते रहेंगे इस देश के सुख समृद्धि और अपने मौलिक अधिकारों के लिए। और याद रखिएगा क्या लिखा था पोएट दुष्यंत कुमार ने, सिर्फ हंगामा खड़ा कर ना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। सो अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, अपने सीने में सच्चाई की आग को यूं ही जलाए रखना। एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बाचा एंड दिस इज अनकट।